नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं पठन कौशल की शिक्षण विधियाँ। और पठन की कौशल की शिक्षण विधियों में हम एक शिक्षण विधि पढ़ चुके थे जिसका नाम है वर्णमाला विधि। अब यह जो वर्णमाला विधि है उसके बाद जो दूसरी विधि है विद्यार्थियों, इसका नाम है पद विधि है। इसका दूसरा जो नाम है विद्यार्थियों, इसको हम चित्र विधि भी कह देते हैं। और आगे वाली जो इसका नाम है दृष्ट्वा कथय विधि, इसका अर्थ होता है देख कर कहो। यह विधि है विद्यार्थी। इसमें क्या होता है, जब आप देखते हैं तो जो अपरिचित शब्द होते हैं, क्योंकि हमें बालक को पढ़ाना है, क्या कराना है, पठन कराना है, तो शिक्षक क्या करता है कि कुछ चित्र लेता है, चित्र है और चित्र लेता है और उस चित्र के साथ ही क्या है, उसका पद लिखा रहता है। क्या शिक्षक एक चित्र लेता है और चित्र के साथ ही एक पद लिखा रहता है। जैसे आप मुद्रित पुस्तकें मिलती हैं, पुस्तकों में देखते हैं कि पुस्तकों में क्या है, सेब होगी और उसके नीचे लिखा हुआ होगा APPLE एप्पल, ए फॉर एप्पल। फिर हिंदी वर्णमाला में जब आप पढ़ते हैं तो क्या है, आ से अनार, तो अनार का चित्र होगा। और ऐसे ही मान लीजिए, देखिए आपने देखा कि कोई भी शब्द है, जैसे मोबाइल है, ठीक है, यहाँ मोबाइल का मान लीजिए चित्र है, तो छात्र को क्या सिखाया जाएगा, उस चित्र के आधार पर उसके शब्द का ज्ञान कराया जाए। हिंदी में इसको शब्द कहते हैं, संस्कृत में पद कहते हैं। अब इस पद का ज्ञान किससे हो रहा है, चित्र से हो रहा है, चित्र से हो रहा है, इसको कह देते हैं चित्र विधि। पद है, पद का ज्ञान कराया जा रहा है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, पद विधि। और देख करके बोलते हैं छात्र चित्र को, इसलिए कहते हैं देखो और कहो विधि, दृष्ट्वा कथय विधि अपि कथ्यते, इसको क्या है, देख करके कहो, यह विधि भी इसका दूसरा नाम है। किस विधि का, ये जो विधि है पद विधि। देखिए मान लीजिए इसके बाद अगर आप ले लेते हैं शब्द है, मान लीजिए आप कोई भी शब्द ले लें, मान लो हाथी है, तो ये क्या हो गया, पद हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, उस हाथी का चित्र होगा, तो छात्रों को चित्र दिखाया जाएगा। चित्र दिखाने के बाद छात्रों को यह ज्ञान हो जाएगा कि यह क्या है, हाथी। जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं एलिफेंट, एलिफेंट माने हाथी, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए छात्र आप संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ कोई बालक है, बालक का चित्र है, तो आप लिखेंगे बालक, क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, बालक। और जब चित्रों के माध्यम से पदों का ज्ञान कराया जा रहा है, क्योंकि चित्रों के माध्यम से पदों का ज्ञान कराया जाता है, इसलिए इसको कह देते हैं हम चित्र विधि। पदों का ज्ञान कराया जाता है, पदों के माध्यम से पठन होता है, इसलिए हम इसको कह देते हैं पठन विधि। और देख करके छात्र बोलते हैं, इसलिए इस विधि को कह देते हैं हम देखो और कहो विधि। जैसे आप कहेंगे छात्रों से, प्रश्न करेंगे
मान लो आपने प्रश्न किया एषः कः, इसका मतलब ये है यह कौन है, तो आपका जब छात्रों का जवाब होगा एषः बालकः, यह कौन है बालक है। फिर एषः कः मान लीजिए दूसरा है, अब आपसे कोई एषः न करके स्त्रीलिंग में पूछे एषा का, स्त्रीलिंग हो गया, यह कौन है, तो बालकों का जवाब होगा एषा बालिका, क्या जवाब होगा एषा बालिका। तो इस प्रकार से चित्रों को देख देख करके, चित्र दिखा दिखा करके छात्रों को जब आप पढ़ाएंगे तो क्या कहलाएगी, वो विधि कहलाएगी आपकी पद विधि, इसको चित्र विधि भी कह देते हैं। फिर देखिए एषा का, फिर आप लिखेंगे एषा दूरवाणी, दूरवाणी कहते हैं फोन को, मोबाइल को। तो इस प्रकार से जब चित्र दिखा दिखा करके छात्रों को पढ़ाया जाता है, तो चित्र दिखा दिखा करके जब पढ़ाया जाएगा तो विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि वह क्या कहलाएगा, चित्र विधि, पद विधि या फिर देखो और कहो विधि कहते हैं। और भी उदाहरण ले सकते हैं हम इसके, जैसे मान लीजिए और भी आप कह दें जैसे कि यह क्या है, छात्र कहेंगे एषः शिक्षकः, फिर आप प्रश्न करेंगे एषा का, छात्र कहेंगे एषा माता। इस प्रकार से छात्र चित्र देख देख करके जब किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं, यानी पढ़ते हैं, चित्रों के माध्यम से पढ़ते हैं और बोलते हैं, यानी देख करके कहते हैं, तो इस प्रकार से ये देखो और कहो विधि होती है विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।